अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोगन नागरमुथा का रिव्यू। आजकल मॉडर्न दौर है तो आप सब लोगों को पता ही होगा रोगन नागरमुथा के बारे में, काफी मशहूर हो गया अब तो। ये एक बूटी होती है और उसे नागरमुथा बूटी भी कहते हैं या मूथा बूटी भी कहते हैं, उससे ये रोगन निकाला हुआ है। तो अगर हम इसकी पैकिंग की बात करते चलें तो पैकिंग ये छपी का रोगन नागरमुथा है और 60 ml की इसकी पैकिंग है। तो आइए मैं आपको इसको करीब से दिखाता चलूं। तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं शफी का रोगन नागरमुथा है, 100% प्योर। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये मूथा एक बूटी होती है, नागरमुथा भी कहते हैं उसको। तो उससे ये एक्सट्रैक्ट होता है और ये 60 ml की इसकी पैकिंग है। यहाँ पे फ़ायदे हैं इसके और यहाँ पर इसका कीमत वगैरह लिखी है, एक्सपायरी डेट लिखी है। तो कीमत सिर्फ 250 रुपये इसकी। तो तरीका इस्तेमाल मैं आपको आगे बताता चलूँ, और इसको आपको अगर इसकी पैकिंग दिखा दें तो छोटी सी ये एक बोतल है, भरते वक्त शायद इनकी पैकिंग वो होगी है ऑयली। यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं और इसके बाद इसकी सील ओपन हो जाएगी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम रोगन नागरमुथा के फायदे की बात करते चलें तो ये कमज़ोर और गिरते बालों को रोकता है। उसके अलावा ये बालों की सेहतमंद नशोनुमा करता है और मुस्तकिल बालों पर लगाने से ये बालों को सेहतमंद, चमकदार, नरम और मुलायम और रेशमी बनाता है। इसके अलावा ये वक्त से पहले बालों को सफ़ेद होने और गिरने से रोकता है, साथ ही साथ ये गंजपन का भी खात्मा करता है। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ नोट करे होंगे, इससे पहले मैंने रोगन प्याज का रिव्यू किया था। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा वो इधर क्लिक करके रोगन प्याज का रिव्यू देख सकते हैं। तो इसके फवाइद और रोगन प्याज के फवाइद तकरीबन सेम ही है, तो इन दोनों रोगन को मिला के ये आप यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। और उसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि ये लगाना कैसे है, तो अगर आपने ये रोगन नागरमुथा अकेला लगाना है तो आपने इसको अपनी उंगलियों की पोरों पर लगा लेना है। उंगली की टिप्स जो होती हैं उन्हें पोरे कहते हैं, तो हथेली पे थोड़ा सा लेके उनके पोरों पर लगा लेना है उंगली के पैर उसको। इसके अलावा आपने यहाँ पर सर पे हल्के हल्के हाथ से मालिश करनी है। पहले भी मैं वीडियो में बता के गया हूँ, तो वो अगर आप ज़रा ज़ोर से मालिश करते हैं पूरे हथेली से, कुछ लोग करते हैं या बहुत रगड़ रगड़ के करते हैं, तो उससे बाल अगर आपके पहले भी गिरे होते हैं तो वो मज़ीद गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप रोगन नागरमुथा को रोगन प्याज के साथ मिला के यूज़ करना चाहते हैं तो ये 60 ml पैकिंग है, उसकी 30 ml पैकिंग है, तो वो आपको दो लेनी पड़ेगी, यानी कि इनका बराबर वजन हो। 60 ml वो ले लें, 60 ml ये ले लें, यानी कि उसकी दो बोटल्स और इसकी एक बोटल, तो मिला के फिर जो है उनको आप सर में मालिश करें रात को सोने से पहले, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक भी आ रहा होगा और नीचे इधर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको शो हो रहा होगा, तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे रابطہ करना चाहें तो व्हाट्सएप पे भी रابطہ कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ये परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आप जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 2000 रुपये से ऊपर की शॉपिंग करते हैं, यानी कि रोगनियात खरीदना है या कुछ और खरीदना है, तो डिलीवरी फ्री है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर पहले से नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।